तो बेसिकली हम लोग इसको दो दो भागों में इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं कि सबसे पहले जेनाइटल प्रोलैप्स होता क्या है, और जेनाइटल प्रोलैप्स बोलते हैं किसको है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले जेनाइटल प्रोलैप्स, जेनाइटल प्रोलैप्स। तो देखो, जेनाइटल मतलब कोई जेनाइटल ऑर्गेन है, और प्रोलैप्स मतलब वो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस होना। तो जेनाइटल ऑर्गेन जब अपने पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेनाइटल प्रोलैप्स। अब जैसे जेनाइटल ऑर्गेन मतलब कौन कौन से हो गया, जैसे इंटरनल जेनिटेलिया हो गया, इंटीरियर में इसके क्या होता है, इंटीरियर में क्या होता है, ब्लैडर हो गया, पोस्टीरियर में क्या होता है इसमें, रेक्टर हो गया, पोस्टीरियर में रेक्टम हो गया, पोस्टीरियर में रेक्टम हो गया, और कुछ इंटेस्टाइन के पार्ट। तो इनका जब प्रोलैप्स होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, जेनाइटल प्रोलैप्स। अब हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर अगर देखें, तो सबसे पहले अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो सपोज़ ये अपना क्या हो गया, ये हम लोग यूट्रस बना दे रहे हैं, ये यूट्रस बना दे रहे हैं, और ये सर्विक्स, और ये वजाइनम बना दे रहे हैं, और यहाँ पे लेबिया मेजोरा थोड़ा सा बना दे रहा हूँ। तो देखो होता क्या है कि यहाँ से हम लोग को पता है लेटरल वॉल है, और लेटरल वॉल और लेटरल वॉल और लेटरल वॉल से सर्विक्स जुड़ी होती है, ये नहीं, लेटरल वॉल से सर्विक्स जुड़ी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक लिगामेंट के थ्रू जुड़ी होती है, लेटरल पेल्विक वॉल से एक लिगामेंट के थ्रू ये सर्विक्स जुड़ी होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस सर्वाइकल लिगामेंट या फिर कार्डिनल लिगामेंट। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो कोर्नवा होता है वहाँ से एक राउंड लिगामेंट आता है, जो कि एक डीप इंग्वाइनल फिर सुपर स्पेशल इंग्वाइनल से पास होके वो जाता है कहाँ पे, लग जाता है लेबिया मेजोरा पे। तो इस लिगामेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, राउंड लिगामेंट, राउंड लिगामेंट। उसके बाद तो बेसिकली ये लिगामेंट क्यों होते हैं, ये लिगामेंट क्या करते हैं कि जितने भी जेनाइटल ऑर्गेन है उसको उसके पोजीशन में रखते हैं। अगर ये लिगामेंट वीक हो गए तो प्रोलैप्स हो जाएगा वहाँ पे। तो ये बेसिकली ये लिगामेंट कर क्या रहे हैं, कीप द जेनाइटल ऑर्गेन इन देयर ओरिजिनल पोजीशन, सो द डिस्प्लेसमेंट वो अवॉइड हो जाता है, जो डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, जो डिस्प्लेस नहीं होता अपना, और जो ऑर्गेन है अपने पोजीशन से डिस्प्लेस नहीं होता। ये हो गया, तो ये हो गया। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे, तो आगे देखो, जैसे अभी आगे जैसे बताऊँ तो देखो, जैसे ये लेटरल पेल्विक वॉल है, ये अपना क्या है आगे की तरफ ब्लडर, ये अपना यूट्रस बना दिया, और ये क्या है अपना, ये रेक्टम है, और यहाँ पे एक पीछे की तरफ बोन होता है जिसको बोलते हैं सैक्रम बोन। तो ये ब्लडर, ये ब्लडर हो गया, यूट्रस, ये अपना रेक्टम, और ये सैक्रम। बेसिकली अब इसके साथ एक यूट्रस के साथ सैक्रम बोन एक लिगामेंट अटैच, एक लिगामेंट से अटैच होता है यूट्रस सैक्रम के साथ में, इसको हम लोग बोलते हैं यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। तो ये भी क्या करता है कि जेनाइटल ऑर्गन जो होते हैं उसको उसके पोजीशन में रखता है, उसको डिस्प्लेस नहीं होने देता, उसको पेल्विक कैविटी में रखता है। तो कीप द जेनाइटल ऑर्गन इन द पेल्विक कैविटी, वो किसकी वजह से होता है, ये सब लिगामेंट की वजह से होता है। तो क्या करता है, पेल्विक कैविटी में जेनाइटल ऑर्गन को क्या करता है, उसमें रखता है, वहाँ से उसको डिस्प्लेस नहीं होने देना देता है। तो ये सब किसकी वजह से, लिगामेंट और मसल की वजह से होता है। तो अब मसल की बात कर रहा हूँ, तो जैसे कौन से मसल आ गए, जैसे एक होता है पेल्विक डायफ्राम, तो पेल्विक डायफ्राम में जो मसल होती है उसको हम लोग बोलते हैं लिवेटर एंड आई मसल। इसमें तीन पार्ट होते हैं, कौन कौन से, प्यूबोकोकीजियस, उसके बाद प्यूबोकोकीजियस, उसके बाद प्यूबोरेक्टाइलिस और इलियोकोकीजियस। प्यूबोकोकीजियस मतलब जो पिवियस बोन से शुरू होती है मसल और इंसर्ट होती है कोकिक्स पे। प्यूबोरेक्टाइलिस मतलब पिवियस सिम्फाइसिस से, मतलब यही पिवियस सिम्फाइसिस से बोल सकते हैं भी, पिवियस सिम्फाइसिस शुरू होती है और ख़त्म कहाँ पे होती है, इंसर्ट कहाँ होती है, रेक्टम में। और इलियोकोकीजियस मतलब इलियम से शुरू होकर कोकिक्स में अटैच होगी। तो ये सब बेसिकली, ये सब लिवेटर अनाई की मसल है, ये बेसिकली इसी पे क्या होते हैं, अपने जेनाइटल ऑर्गन रहते हैं। जैसे इसको मैं बताऊँ तो इसको डायग्राम के थ्रू बताऊँ तो जैसे ये अपना यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, ये अपना मसल्स हो गया, ये पेल्विक डायफ्राम हो गया, ये पेल्विक डायफ्राम जो कि लिवेटर एंड आई, मतलब इसमें तीन मसल्स हैं। अब इसमें क्या होता है, ये सपोज ये पॉइंट अपना क्या है, दिस इज सैक्रम, तो ये सैक्रम हो गया अपना, ये सैक्रम हो गया, और आगे की तरफ यहाँ पे मैंने ब्लैडर बना दिया, सॉरी प्यूबिक बोन बना दिया। ये आगे की तरफ अपने को होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है, पीछे की तरफ क्या होता है अपना सैक्रम। अब यहाँ पे क्या होते हैं ऑर्गेन, यहाँ पे ऑर्गेन इसके ऊपर रहेंगे। तो एंटीरियरली क्या होता है, ब्लैडर होता है, अपने को पता है एंटीरियरली ब्लैडर होता है। फिर यहाँ पे क्या होता है, यूट्रस होता है, यहाँ पे यूट्रस होता है, और फिर अपना कुछ रेक्टम होता है, रेक्टम। और सैक्रम किससे जुड़ा होता है, सैक्रम यूट्रस से जुड़ा होता है भाई, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। तो बेसिकली ये लिगामेंट और या फिर डायफ्राम क्या कर रहा है, जो डायफ्राम है इसको थामे हुए हैं, इसको थामे हुए पेल्विक कैविटी में, उसको पेल्विक कैविटी में ही रखे हुए हैं, क्योंकि वहाँ से इसको डिस्प्लेस नहीं होने देते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ये मसल वीक हो गई या लिगामेंट वीक हो गया तो क्या करेंगे, ऑर्गेन अपने पोजिशन से डिस्प्लेस हो जाएंगे। तो ये हो गया, तो दीज लिगामेंट और दीज मसल कीप दीज जेनाइटल ऑर्गेन इन अ पेल्विक कैविटी, उसको हम लोग बोलते हैं जेनाइटल, उसको हम लोग मतलब अगर ये अगर नहीं हुआ और अगर इसका एक खिसक गया जगह से तो हम लोग बोलते हैं जेनाइटल प्रोलैप्स। ये हो गया,
ये हम लोग ने देख लिया। तो जैसे मैं इमेज दिखाऊँ, इमेज के थ्रू अगर हम लोग इसको देखते हैं, तो देखो दिस इज़ पेल्विक डायफ्राम। तो बहुत ही आसान है, अगर ये समझ गए ना तो बहुत ही आसान है। तो देखो पेल्विक डायफ्राम, तो देखो ये अपना क्या है, दिस इज़ कोकिक्स और दिस इज पिबिक सिंपाइसिस। तो देखो पिबिक सिंपाइसिस से जाके जो मसल अटैच हो रही है कोकिक्स में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिबोकोकीजियस। और जो इलियम से, ये इलियम बोन है, और इलियम से जाके जो मसल अटैच हो रही है कोकिक्स में, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इलियोकोकीजियस। ये जो वाइट वाला है वो फेसिया है, बेसिकली उस पर ध्यान नहीं देना है, वो फेसिया है। अब उसके बाद ये हो गया, उसके बाद प्यूबोरेक्टेलिस मतलब जो प्यूबिस बोन से जाके रेक्टम में अटैच होगी, उसको हम लोग कहते हैं प्यूबोरेक्टेलिस। ये हो गया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी पेल्विक डायफ्राम। ये अपना पेल्विक डायफ्राम है, इसी पे अपने ऑर्गेन रहेंगे। ये हो गया। तो देखो इधर भी देखते हैं। देखो सबसे बहुत ही आसान है, ये अपना क्या है, ये अपना है ब्लैडर, ये यूट्रस है, और ये अपना रेक्टम है। अभी देखो ये वाला क्या है, ये पूरा मसल क्या है, ये मसल वाला क्या है, पेल्विक फ्लोर मसल, या फिर पेल्विक डायफ्राम हम लोग इसको बोल सकते हैं। और पीछे की तरफ यहाँ पे सैक्रम है। तो इसको देखो, इसके पोजीशन में सबको अपने इस ऑर्गन, इसको पोजीशन में रखा हुआ है, पेल्विक कैविटी में रखा हुआ है। अगर वीक हुआ तो डिस्प्लेस होकर बाहर की तरफ आ जाएंगे। ये हो गया। तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो ये वाला भी देखो, जैसे ये वाला देखो, यहाँ पे देखो ये है पेल्विक फ्लोर मसल, जैसे पेल्विक फ्लोर मसल, और इस पर ऑर्गेन रखे हुए हैं। और ये क्या है, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट इसके बीच में बनेगा, सैक्रल बोन और यूट्रस के बीच में। तो ये हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं कि कॉज क्या होता है कि ये प्रोलैप्स का कॉज क्या होता है। तो हम लोग सबसे पहले कॉज देखते हैं। तो इसके हम लोग देते हैं कॉज ऑफ प्रोलैप्स। तो प्रोलैप्स के कॉज सबसे पहले मिसमैनेज चाइल्ड बर्थ का मतलब क्या होता है कि सपोज ये यूट्रस है और ये सर्विक्स है। अगर ये सर्विक्स का पूरा डायलेट नहीं हुआ है, अगर सर्विक्स ऊपर की तरफ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इफेसमेंट। और अगर ऐसा होता है तो उसको बोलते हैं सर्विक्स डायलेशन। तो सर, और ये बच्चा है और उसका ये हेड है। अब जब क्या होता है, जब सर्विक्स पूरा डायलेट हो जाता है, तब बच्चे का हेड दिखता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको फोरसेप्स से खींच लेते हैं और मदर को बोलते हैं पुश करने के लिए। पर अगर हम लोग क्या हुआ, अगर पूरा सर्विक्स डायलेट नहीं है और हम लोग मदर को बोल रहे हैं पुश करने के लिए, या फिर उसको फोरसेप्स से खींच रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, जब वो पुश करेगी तो हेड के साथ ये सर्विक्स भी ऐसा बाहर आ जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे ये प्रोलैप्स हो गया। तो कभी कभी क्या होता है, फोरसेप्स से खींच रहे हेड को, उसके साथ सर्विक्स भी आ जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, प्रोलैप्स हो जाता है। तो ये पहला रीजन हो गया मिसमैच। और दूसरा होता है प्रोलॉन्ग लेबर। तीसरा अगर पेरिनियल टीयर, उसकी वजह से। चौथा अगर मल्टीपायरिटी है तो उससे मसल वीक हो जाते हैं बार बार पुशिंग वजह से, और कभी कभी नर्व इंजरी की वजह से होता है, क्योंकि बार बार पुश कर रही तो नर्व इंजरी हो सकता है। और फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट हम लोग अगर यूज कर रहे हैं तो। उसके बाद अगर कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, मतलब लिगामेंट वीक हो गए हैं, या फिर जो लिगामेंट किसके पार्ट है, कनेक्टिव टिश्यू तो है लिगामेंट, अगर लिगामेंट किसी का वीक है, कंजनाइटल, या फिर किसी को मसल वीक है, तो उसमें भी प्रोलैप्स हो सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, रेज्ड एब्डोमिनल प्रेशर। तो अगर एब्डोमिनल प्रेशर रेज होगा तो प्रेशर लगेगा यूट्रस पे और वो बाहर आ जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉज ऑफ यूटेराइन प्रोलैप्स, जेनाइटल प्रोलैप। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो देखो जैसे अभी आगे बताऊँ, देखो मैंने बोला था ना डायग्राम है, तो देखो अभी बहुत ही सिंपल है ये, अगर ये समझ गए तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। देखो ये क्या है, ये अपना क्या है, अभी देखो इस पूरा सर्विक्स है, अभी सर्विक्स जो है डायलेट नहीं हुआ है। अब यहाँ पे ये सर्विक्स है, अभी देखो थोड़ा सा ही डायलेट हुआ है, मतलब इसकी ओपनिंग देखो, यहाँ पे ओपनिंग दिख रही है ना, ये वाली ओपनिंग थोड़ी सी ही है, मतलब अभी ये पूरा डायलेट नहीं हुआ है। और थोड़ा सा अभी देखो यहाँ पे पहले सर्विक्स वजाइनल कैनाल में था, पर यहाँ पे थोड़ा ऊपर गया है, तो इफेसमेंट हो चुका है, पर अभी पूरा डायलेट नहीं हुआ है, तो ऊपर की तरफ जाता है, तो उनको उसको क्या बोलते हैं, इफेसमेंट। और जब उसका मुंह खुलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डायलेशन। अभी देखो ये इफेसमेंट ऊपर की तरफ जा गया है, पर देखो अभी भी पूरी ओपनिंग नहीं है, अभी भी पूरा डायलेट नहीं है, ये अभी भी डायलेट नहीं है। और यहीं पे अगर हम लोग उसको पुश करने के लिए बोलते हैं, या फिर हम लोग उसको
खींचते हैं फोर्सेप से तो क्या होता है, सर्विक्स भी चले आता है साथ में, तो प्रोलेप्स हो जाता है उसका। पर अभी देखो यहाँ पे पूरा यहाँ पे क्या है, पूरा सर्विक्स डायलेट है, फुली पूरा इफेसमेंट है, पूरा ऊपर की तरफ गया है सर्विक्स, और ये वजाइनल कैनाल है, और इसके थ्रू क्या होगा, बच्चा बाहर आ जाएगा। इसमें लेडी अगर थोड़ा सा भी पुश कर दी तो बाहर आ जाएगा, तो ये नॉर्मल फुली डायलेटेड सर्विक्स है। देखो इसका पूरा मुँह खुला हुआ है सर्विक्स का, ये हो गया। तो ये हो गया कॉज ऑफ द जेनिटल प्रोलेप्स। उसके बाद हम लोग इसके बाद देखेंगे स्टेजिंग ऑफ प्रोलेप्स, उसके बाद इसका सिम्टम और ट्रीटमेंट देखेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट लेक्चर ऑफ जेनिटल प्रोलेप्स।